हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है सारी वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे, एक छोटी सी क्यू एन ए करेंगे और कास्केड मैच क्या है ये भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करेंगे रिलेटेड टू चैनल। तो सारी चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्यू एन ए से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अर्पित गैंगवार ने पूछा है कि भाई कास्केड मैच क्या है। तो फ्रेंड्स, कास्केड मैच ये होता है कि एक दो रेसलर आपस में रिंग में लड़ते हैं, जैसा कि आप अभी WWE में देखते हैं वही होता है, और एक कास्केड बॉक्स टाइप से होता है। वो दो जो भी जीतता है या जो भी एक सुपरस्टार जब एक दूसरे को रिंग से बाहर करता है तो वो कास्केड में सुपरस्टार को फेंक देता है, तो उसे वो कास्केड मैच कहते हैं फ्रेंड्स। और जो सुपरस्टार सबसे पहले कास्केड में जाता है और जो जिसको उसमें पुश करता है वही विनर होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कास्केड मैच ये होता है, मैंने सुपर शो में बताया था फ्रेंड्स कि कास्केड मैच हमें देखने को मिलेगा फिंड वर्सेस केन के बीच में फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अर्पित गैंगवार ने ही पूछा है, अंडरटेकर चैंपियनशिप के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स, अंडरटेकर को अब पार्ट टाइमर के टाइम से यूज़ करती है WWE। तो फ्रेंड्स, पार्ट टाइमर ये होता है कि बस उनको इसीलिए लाया जाता है कि WWE की रेटिंग बढ़ाई जाए और WWE का बेनिफिट हो, और कुछ कुछ मेजर पीपल के लिए, जैसे कि सुपर शोडाउन, क्राउन जूल, रेसलमेनिया या रॉयल रंबल। तो फ्रेंड्स, WWE के मेजर पीपल में इनको लाया जाता है। तो और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इनको चैंपियनशिप के लाइन में क्यों नहीं लाया जाता है। WWE इनको चैंपियनशिप के लाइन में इसलिए नहीं देती है क्योंकि इनको चाहिए एकदम एक्टिव और अच्छा सुपरस्टार जो उसके लायक हो। मतलब लायक का मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स को लायक नहीं है, लायक हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम की टाइम यूज़ करते हैं। चैंपियनशिप जिसके पास रहती है उसको हर वीक आना पड़ेगा, लेकिन वो तो आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए WWE अंडरटेकर को चैंपियनशिप के लाइन में नहीं रखती है। तो फ्रेंड्स, यही थे अर्पित गैंगवार के दो क्वेश्चन। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए, ask@wrestlestroke करके या #wrestlestroke करके, तो मैं उस पर आपका भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। और फ्रेंड्स, बिग अनाउंसमेंट ये है चैनल से रिलेटेड कि अब मेरा एग्जाम आने वाला फ्रेंड्स। तो 1 से लेकर 10 तारीख तक मैं एग्जाम में एंगेजमेंट रहूँगा। तो जब एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस पर फिर से रेगुलर वीडियो बनाने लगूंगा, और रेगुलर वीडियो फ्रेंड्स, और बीच बीच में एक दो वीडियो आ जाएगी क्योंकि चैनल को बूस्ट नहीं ख़त्म होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रोडक्ट लिंक से रिलेटेड सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली, बाय फ्रेंड्स।